बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज आपके लिए लाए हम ज़िंदगी के बेहतरीन टोटके, जिनसे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोपहर के खाने के बाद आराम करना चाहिए और रात के खाने के बाद चहलकदमी करना सेहत के लिए बहुत मुफीद है। लाल मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मादे, आँखों और दिमाग को नुकसान होता है। बैतुल खला में ज़्यादा देर बैठने से दिमागी अमराज लाहक होने का खदशा है। बिना चीनी के लीमू पानी बनाकर पीने से सांस की बदबू ख़त्म हो जाएगी। हाथ पर गाय की चर्बी से मालिश करने से हाथ गोरे हो जाते हैं। कच्चा दूध पीने से मादे को ताकत मिलती है। सेब खाने के फौरी बाद पानी पीने से गला खराब हो जाता है। नीले रंग के कपड़े पहनने से रंग खूबसूरत हो जाता है। निहार मुंह अंगूर के चंद दाने खाने से दिमाग तेज हो जाता है। अजवाइन पानी में उबालकर मुंह धोने से दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। अगर जिस्म पर गर्मी दाने निकल आए तो सरसों का तेल हल्का सा गर्म करके लगाओ, दाने ख़त्म हो जाएंगे। वज़न कम होना शुरू हो जाए तो पके हुए केले खाने से वज़न दोबारा ठीक हो जाएगा। पानी नीम गर्म पीने से दिमाग तेज़ होता है। याद रखिए, देर से उठकर नाश्ता करने वाला बंदा कभी वज़न कम नहीं कर सकता। जिनका मादा कमज़ोर हो, उन लोगों को चाहिए कि सुबह के नाश्ते में थोड़े से जामुन खा लिया करें। मादा मजबूत होगा और गिज़ा जल्दी हजम हो जाएगी। रोज़ाना 6 मिनट कुछ पढ़ लेने से स्ट्रेस कम होगा, दिल की धड़कन कम होगी, आपकी सोच बदलेगी, सबसे बढ़कर आपकी नॉलेज बढ़ेगी। खजूर के बाद पानी पीने से आपका हाजमा बिगड़ जाएगा। नाज़रीन करम, खाने के दरमियान कम से कम 5 से 6 घंटों का वक्फा होना चाहिए। किसी भी बीमारी के बाद गिज़ा हमेशा कम खानी चाहिए। गुस्से की हालत में खाना खाने से बदहजमी पैदा होती है। उम्मीद करता हूँ ये टोटके आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाएंगे। जज़ाकअल्लाहु खैर।